राष्ट्र के निर्माण में कुछ ऐसे पल आते हैं जिस पल पर हम किसी नए मोड़ पर जाते हैं, नए मुकाम की ओर पहुंचने का प्रयास करते हैं। जीएसटी को मोदी जी ने कहा है गुड एंड सिंपल टैक्स, जो कि एक्चुअली गुड एंड सिंपल टैक्स ही है। पहले भी हम बहुत अलग अलग तरीके के टैक्स दिए जाते थे, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सीएसटी, टोटल 17 टैक्सेस को मर्ज करके ये एक टैक्स बनाया गया है। तो जो 17 बार अलग अलग कंप्लाइंसेस करने पड़ते थे, अब वो एक में आ चुका है। इस वजह से ये टैक्स सिंपल हो चुका है। पहले अगर आप एक्साइज में रजिस्टर्ड थे तो आपको 12 रिटर्न्स एक्साइज के भरने होते थे, सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड हैं तो उसके अलग रिटर्न्स, वैट में रजिस्टर्ड हैं तो उसके अलग रिटर्न्स, वो सब कंबाइन करके अब आ चुका है जीएसटी में। तो पहले भी लोग भरते थे रिटर्न्स 30-40, अभी भी भरने हैं रिटर्न्स 37, तो कोई कंप्लाइंसेज इंक्रीज नहीं हुआ है। एक चीज़ जो फ़ायदेमंद है, अगर कोई एक्साइज ड्यूटी पेयर है तो वो उसको सेंट्रल सर्विसेज टैक्स का, सेल्स टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर कोई वैट पेयर है तो उसको एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब ये सारी चीज़ें मिला के आ चुकी हैं जीएसटी के अंदर। तो जो एक्साइज ड्यूटी पे करता है वो सर्विस टैक्स से क्रेडिट ले सकता है, जो सर्विस टैक्स पे करता है वो सीएसटी से क्रेडिट ले सकता है। तो इस तरीके से अगर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन किया जाए तो हर सामान का कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा, और इसी तरीके से लोगों को ये बहुत बेनिफिट करेगा। जीएसटी से घबराने की कोई बात नहीं है। जस्ट अभी क्योंकि नया नया एप्लीकेशन है तो थोड़े बहुत इम्प्लीकेशंस में परेशानियाँ होंगी, बट एज टाइम आगे पास होगा, धीरे धीरे करके सारे जो कंक्लूजन्स हैं वो निकलते आएंगे और बहुत ईजीली एप्लीकेबल हो जाएगा। There is one more concept of GST, that is UTGST, and many other concessions will be allowed in GST. इंस्पेक्टर राज हावी नहीं होता है तो जीएसटी बहुत अच्छा होगा और पूरे देश को तरक्की मिल जाएगा, पूरे व्यापारी को भी तरक्की मिल जाएगा।